The top 10 most polluted capital cities. New Delhi is in the first place. The most polluted cities according to data aggregated from over 80,000 data points. The current PM2.5 concentration in New Delhi is 7.1 times above the recommended limit given. 48 hours after taking a dip in the Yamuna River, the Delhi BJP chief, Virendra Sachdeva, he has been hospitalized. The Delhi BJP president, remember, he took a dip in the toxic Yamuna River in Delhi as a protest against the rising pollution in the national capital. The BJP has also challenged, The government of the Indian capital of New Delhi has reintroduced the odd-even scheme for vehicles. Chief Minister Arvind Kejriwal has said that the odd-even scheme will be implemented between the 4th and the 15th of November. पराली के प्रदूषण से निपटने के लिए 7 पॉइंट एक्शन प्लान है सबसे पहला इसमें कंपोनेंट है 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जाएगा व्हीकल स्प्रिंकल वाटर इन पार्ट्स ऑफ नेशनल कैपिटल टू रिड्यूस पोल्यूशन This is Delhi on November 5th. The highest AQI of the day was recorded at 467. This is Delhi on November 16th. The highest AQI of the day was recorded at 430. There has been a long discussion going on. अरे ये अपना मोटू काला बिलावड है नहीं? You know इधर क्या कर रहे जंगल में? वो ओवर पोजा मारने वाली बिल्ली को ढूंढते ढूंढते आया होगा ये शबाना चाची का कुत्ता है नहीं इन्हें भी भाग के आ गया शायद कुछ ज्यादा ही तंग कर रही थी शायद जब्बो चाची ले आ गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना उसके बाबा का समझा जंगल देखो कैसा नाच रहा इधर से उधर उधर से इधर मटकना हो गया तो कुछ तो बोलो मियाँ और बिलावड़ क्या चल रहा क्या चलता रे शहर में रह के कुप्पा हो गई जिंदगी जंगल की जिंदगी सुकून की है अरे बिलावड़ तो भी भाग के आ गया शहर से जंगल को अच्छा तेरे को एक बात मालूम क्या रे ऐसी कौन सी बात है जो मेरे को नहीं मालूम एक बिल्ली फट गई बिल्ली तेरे से फट गई ओवर वाता नको करो यारो अरे अरे बिल्लियों का टेस्ट खराब हो गया कुत्ता उनसे पट जा रहे तौबा तौबा अरे दीवाने पट गई नहीं फट गई जल गई बोल रही हूँ जल गई कैसा रे अरे दिवाली आ दी ना अरे अब बच के रहना पड़ता मामा अच्छा किसके साथ हुआ अपने दूसरे गली में एक बिल्ली थी देख जिसके पीछे तू पागल था अरे हाँ वो गोरी मैं को देखती नहीं थी मामा मैं काला हूँ बोल के अच्छा हुआ क्या उसके साथ चार पट्टे मिलके पटाखों से उड़ा दिए बिल्ली को बुरा हुआ अच्छा वो अपना पोपट तोता था देख अरे हाँ जो पन्नी में फंस गया था अपन बचाए थे हाँ रे उनीच मजे से हवा में उड़ रहा था एक रॉकेट जूम बोल के हर्ष के कानों को चिपके गई अब बेचारा भैराइच हो गया अरे 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 बहुत बुरा हुआ रे उसके साथ खैर जान गए अब सुकून से तो भी रहता बीवी का पुकारा सुनना नहीं पड़ता अरे हाओ सही बोला अच्छा तेरे को एक बात मालूम हमारे पुरानी मारी बीमार है कते क्या हो रहे उनको सांस लेने नहीं आ रहा कते पॉल्यूशन की वजह से हाँ ना बिगड़ते हैं मामा सब मालूम रहता उन लोगों को कौन सी चीज एनवायरनमेंट को हार्म करते फिर भी वेज करते जाहिला और ए देख देख कैसा ही तबुसबुस से पटाखे चला के पॉल्यूशन कर रहे भोड़ भोड़ आवाजें कर रहे बच्चे बुड्ढे हैबत खा जा रहे मालिक है देख
गोश वाले सलीम चचा पहले मेरे को देखते ही खाना देते थे, अब मेरे को म्याऊ म्याऊ करना पड़ा। कई क्वेश्चन रे वाली में मिर्ची पटाका हाथ में रख के फोड़े, आंख में उछली चिंगारी, आंखें छोड़ दे जब से दिखना ही बंद हो गया उनको। ऐसा हुआ बिचारे नीप भी खाया देते थे रे। छावा रे अपन जनवारा है इंसाना में ही है। और सही बोला, पूरा पानी गंदा करके रखे, केमिकल कचरा कुछ भी रहन दो पानी में डाल देते, जब जब हो जब प्लास्टिक में से फंस जा रहा मैं, मुश्किल से बज रहा हूँ। हो इंसान आखिरी बेवड़ते रहते हैं। तू कभी देखा कोई जानवर को खुद का नुकसान डरते हुए, ये इंसान खुद का खड्डा खुद ही खोद लेते हैं। अच्छा चल अब मैं जाता हूँ, मेरी बीवी का कॉल आ रहा, मैं तो दो तीन दिन तक बाहर ही नहीं आने वाला हूँ, तुम ला भी नको आओ, कौन क्या किधर पटाके छोड़ देते की। मैं भी रे, मैं भी मैसेज डाल देता हूँ, दो दिन में दिवाली है बोल के और बेवकूफ इंसान से बच के नो बोल के। दिल्ली का एयर पोल्यूशन इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है और इसका पोल्यूशन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने दिल्ली में एयर पोल्यूशन के बढ़ते स्तर के कारण सुबह की सैर पर जाना बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जर्नलिस्ट के साथ इनफॉर्मल इंटरेक्शन में CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके डॉक्टर ने उन्हें सुबह बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी एलिमेंट से बचने के लिए घर के अंदर रहना बेहतर है। एयर पोल्यूशन के स्तर में वृद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मैंने 24 अक्टूबर से सुबह के सैर पर जाना बंद कर दिया है, मैं आमतौर पर सुबह 4 से 4:15 बजे के आसपास सैर करने जाता हूँ। What do you think? Let me know in the comments below and don't forget to like, share and subscribe for more nature videos.